हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पीडीएफ व्यू को क्रिएट किए थे पीडीएफ डॉट एक्सएमएल में एंड पीडीएफ डॉट जावा में, ओके, एंड इसके आईडी को डिफाइन किए थे। अभी हम इस वीडियो में कम्प्लीटली पीडीएफ व्यू का जो भी स्ट्रिंग एंड लिंक जो प्रोवाइड करना होता है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग को यहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे, स्ट्रिंग एंड नेम दे देंगे लिंक, ओके। एंड यहाँ से जो भी लिंक रहेंगी उसको हमें पेस्ट करना होगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पे हम दे देंगे लिंक कॉमा सेम प्रोडक्ट लिस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे, प्रोडक्ट लिस्ट, ओके, इज इक्वल टू एंड डबल डॉट, ओके, एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू डबल स्ट्रिंग, एंड इसको भी हम क्लोज कर देंगे, ओके। इतना पार्ट होने के बाद अभी हमें क्या करना है, इस लिंक प्रोडक्ट लिस्ट एंड प्रोडक्ट को इंटेंट में पास करना है। तो इसके लिए हम इसको एंटर करेंगे एंड लिंक, सबसे पहले क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक पास किया था इसलिए हम लिंक इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, एंड जो भी हमने वहां पे टाइटल पास किए थे मेन एक्टिविटी में यहाँ पे हम इस टाइटल को पास कर देंगे। तो टाइटल इसके बाद अभी हमें इसको क्लोज करना होगा टाइटल को, एंड सेम हम प्रोडक्ट लिस्ट के लिए भी करेंगे एंड प्रोडक्ट के लिए भी करेंगे। तो प्रोडक्ट लिस्ट इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, इसमें हम पास करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, एंड इसको सेमी कॉलम से हम क्लोज कर देंगे। अभी हमने लिंक एंड प्रोडक्ट लिस्ट के लिए तो कर दिया, अभी हमें प्रोडक्ट के लिए करना होगा। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, हम प्रोवाइड करेंगे यहां से लिंक, ओके। तो अभी हमने तीनों भी के लिए गेट इंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, ओके। इसके बाद अभी हमें बंडल को प्रोवाइड करेंगे, तो बंडल को प्रोवाइड करने के लिए अगेन हम एंटर करेंगे बंडल, बंडल इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, इसको हम सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे, एंड यहाँ पे हम इफ एंड एल्स की कंडीशन लगाएंगे। इफ बंडल नॉट इक्वल टू नन, देन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लिंक डॉट गेट इंटेंट, लिंक इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। अगर बंडल नल नहीं रहता तो हम इसको हम प्रोवाइड करेंगे इसको, ओके, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा लिंक, इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूं, एंड इसके नीचे आपको एंटर करना है न्यू पीडीएफ डॉट रिट्राइव पीडीएफ, ओके। तो हम रिट्राइव पीडीएफ स्ट्रीम के नेम से एक क्लास क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक नेम दे देता हूँ यहाँ से पीडीएफ डॉट रिट्राइव पीडीएफ स्ट्रीम, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, डॉट एग्जीक्यूट एक्सेक्यूट, यहां से हम पास कर देंगे लिंक को, एंड इसको हम क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हो अभी हमने लिंक को प्रोवाइड कर दिया, बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है। एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अभी तक इस नेम से कोई भी क्लास क्रिएट नहीं है। तो क्लास क्रिएट करने के लिए आपको यहां से एंटर करना होगा एंड यहाँ पे लिखना होगा क्लास
एंड इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना होगा एंड पेस्ट करना होगा, प्लस रिट्राइव पीडीएफ स्ट्रीम एक्सटेंड एसिंक, ओके एसिंक टास्क। तो एरे प्रोवाइड करना है ऐसे आपको, एंड यहाँ पे लिख देना है स्ट्रिंग कॉमा वॉइड मीन्स नल, वॉइड मीन्स नल होता है, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ऐसे वॉइड कॉमा इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग, एंड इस एरर को अभी क्लोज कर देंगे। तो भी आप देख सकते हो हमने इस क्लास को तो क्रिएट कर दिया, क्लास रिट्राइव पीडीएफ, हमने यहाँ पे अभी ब्रैकेट दे दिया बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो इस एरर को रिजोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेम इम्प्लीमेंट मेथड करना होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, एरर बटन पे क्लिक कर देता हूँ एंड इम्प्लीमेंट मेथड्स पे क्लिक कर देता हूँ एंड ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी एरर था वो रिजोल्व हो चुका है। अभी हमें इनपुट स्ट्रीम के लिए कोड लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू नल एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अभी ट्राई कैच इंप्लीमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्राई, URL को हम प्रोवाइड करेंगे URL एंड इसका हम नेम दे देंगे URL X इज इक्वल टू न्यू URL, न्यू URL, ओके एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे हम कोड पास कर देंगे जीरो। तो मैं यहाँ पे एरे का साइन दे देता हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है एरे का साइन आपको देना है एंड वहाँ पे आपको जीरो को पास कर देना है। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया एंड इसका आपको क्लोज कर देना है। ओके ये होने के बाद आपको https जो भी है URL connection हम नेम दे देंगे इज इक्वल टू एंड जो भी था HTTP URL connection इसको हम एंटर करेंगे। इसके बाद आपको एंटर करना है urlx.openconnection एंड इसको भी आपको क्लोज कर देना है। ये होने के बाद आपको इफ कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है, इफ URL connection अगर URL connection डॉट गेट रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स कोड इज इक्वल टू 1200 आता है, ओके तो देन आपको ब्रैकेट इंप्लीमेंट करने हैं इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बफर का यूज करेंगे क्योंकि हमें फायरबेस से इंप्लीमेंट करना है इसलिए, ओके तो बफर इनपुट स्ट्रीम URL कनेक्शन डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम एंड इसको हम अभी क्लोज कर देंगे। तो भी आप देख सकते हो हमारा इफ का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो एरर शो हो रहा है इसके नीचे आ जाएंगे एंड कैच में प्रोवाइड कर देंगे आयो एक्सेप्शन, नेम दे देंगे ईएक्स एंड हम कैच में लिख देंगे जो भी कोड है उसमें हम लिख देंगे रिटर्न नल, रिटर्न नल होने के बाद आपको रिटर्न में रिटर्न इनपुट स्ट्रीम भी देना होगा क्योंकि यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो इसलिए हम दे देंगे रिटर्न इनपुट स्ट्रीम। तो अभी आप देख सकते हो हमने जो रिट्राइव पीडीएफ स्ट्रिंग क्लास बनाई थी उसको एक्सटेंड किए एसिंक टास्क के साथ एंड जो भी बैकग्राउंड में होता है उसके लिए अभी हमने ट्राई एंड कैच क्रिएट कर दिया है। ओके अभी हम नेक्स्ट कोड की तरफ बढ़ते हैं, मीन्स प्रोग्रेस डायलॉग के लिए। मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ प्रोग्रेस डायलॉग कैसा है। तो भी आप देख सकते हो अगर कोई भी यूजर कार्ड व्यू पे क्लिक करेगा तो कंटेंट आने से पहले हमें यहाँ पे प्रोग्रेस डायलॉग को शो करना पड़ेगा,
वहां पे शो होगा गेटिंग द कंटेंट प्लीज वेट। जैसे हमारा कंटेंट आ जाएगा तो इसको हमें डिसमिस करना पड़ेगा, मीन इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रोग्रेस डायलॉग के लिए कोड इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए आपको प्रोग्रेस डायलॉग लिख देना है, प्रोग्रेस डायलॉग। इसके बाद आपको प्री एग्जीक्यूट एंड पो एग्जीक्यूट, मीन्स प्रोग्रेस डायलॉग खत्म होने के पहले एंड खत्म होने के बाद क्या होना चाहिए, तो उसके मेथड हम इंप्लीमेंट करेंगे प्रोटेक्टेड void on pre execute। तो आप देख सकते हो हमने प्री एग्जीक्यूट के लिए कोड लिख दिया, सॉरी कोड नहीं, हमने मेथड को इंप्लीमेंट कर दिया। अभी हम सेम पोस्ट एग्जीक्यूट के लिए भी कर देते, प्री की जगह हम पोस्ट लिख देते, तो सेम इसमें भी वही रहेगा पोस्ट। तो अभी हम प्री एग्जीक्यूट के लिए कोड इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्रेस डायलॉग इज इक्वल टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग। जो भी एक्टिविटी में है वो एक्टिविटी का नेम सबसे पहले पीडीएफ डॉट दिस एंड इसको सेमी कॉलम से क्लोज करेंगे एंड हम टाइटल में डाल देंगे गेटिंग द कंटेंट, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था गेटिंग द कंटेंट। तो मैंने सेट टाइटल दे देता हूँ सबसे पहले, प्रोग्रेस डायलॉग को कॉल कर देता हूँ प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट टाइटल, यहाँ पे लिख देता हूँ गेटिंग द कंटेंट। इसके बाद आपको क्लोज करना है एंड सेम आपको यहाँ पे लिख देना है प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट मैसेज प्लीज वेट का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज वेट डॉट डॉट, यहाँ पे हम दे देंगे एंड गेटिंग द कंटेंट कंटेंट में भी डॉट डॉट दे देंगे, क्योंकि आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ ये जो दिखाई दे रहा है सेम यहाँ पे प्लीज वेट लिख के आएंगे एंड गेटिंग द कंटेंट। ओके एंड इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर करना है एंड अगर प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट कैंसल ऑन टच आउटसाइड पे क्लिक होता है तो उसको हम फॉल्स कर देंगे एंड प्रोग्रेस डायलॉग शो को कॉल कर देंगे। तो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है ऑन प्री एग्जीक्यूट के बाद। ओके अभी हम क्या करेंगे ऑन पोस्ट एक्सिक्यूट। ओके तो इसके लिए एकदम इजी है, अगर पीडीएफ शो हो जाती है तो प्रोग्रेस डायलॉग को हम डिसमिस कर देंगे, एकदम इजी है। पीडीएफ व्यू डॉट फ्रॉम स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम स्ट्रीम डॉट लोड, अगर ये इनपुट स्ट्रीम लोड होता है तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो अगेन मुझे लग रहा है इस प्रोजेक्ट को क्लोज करना पड़ेगा एंड ओपन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेम एरर शो हो रहा है। तो हम थोड़ी देर में करेंगे उसको इनपुट स्ट्रीम डॉट लोड। ओके एंड हम इसके बाद इस प्रोग्रेस डायलॉग को डिसमिस कर देंगे, अगर हमारा पीडीएफ व्यू हो जाता है तो हम प्रोग्रेस डायलॉग को डिसमिस कर देंगे। ओके तो आई होप गाइज अभी आपको समझ में आया होगा। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एरर को रिजोल्व करेंगे। तो इस एरर को रिजोल्व करने के लिए सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे क्लोज प्रोजेक्ट एंड अगेन इस प्रोजेक्ट को हम ओपन कर देंगे। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कैनिंग फाइल टू इंडेक्स हो रहा है, तो भी हम देखेंगे ये एरर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो हमारा प्रोग्रेस डायलॉग का ऑन प्री एग्जीक्यूट एंड ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट हमारा वर्क हो चुका है। अभी हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कॉल करते हैं। ओके बट सॉरी यहाँ पे हमारा अभी भी एरर शो हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो इस एरर को रिजोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको पास करना होगा इनपुट स्ट्रीम
मैं यहाँ पे आपको पास कर देता हूँ इनपुट स्ट्रीम एंड यहाँ पे नेम दे देता हूँ इनपुट स्ट्रीम। तो आप देख सकते हो जैसे हम यहाँ पे पास कर देंगे तो यहाँ पे एरर रिजोल्व हो जाएगा। तो हमारा अभी वर्क हो चुका है प्रोग्रेस डायलॉग का ऑन प्री के लिए एंड ऑन पोस्ट के लिए। अभी हम कनेक्टिविटी के लिए कोड लिख देते हैं। तो इस कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे नीचे आना होगा एंड यहाँ पे एंटर करना होगा पब्लिक बुलियन इज कनेक्टेड। मीन्स अगर इंटरनेट कनेक्ट होता है तो क्या होता है, अगर इंटरनेट डिसकनेक्ट होता है तो क्या होता है, हमें इसके लिए कोड एंटर करना होगा। तो मैं जल्दी जल्दी जो भी कोड रहेगा उसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। पब्लिक बुलियन इज कनेक्टेड, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे हम एंड ब्रैकेट यहाँ पे दे देंगे। ओके, ये होने के बाद अभी हम बुलियन को इम्प्लीमेंट करेंगे। बुलियन कनेक्टेड हम नाम दे देंगे कनेक्टेड, ओके, इज इक्वल टू बुलियन डॉट पास बुलियन एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे फॉल्स को। मैं जल्दी से यहाँ से पास कर देता हूँ फॉल्स एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देता हूँ एंड इसके बाद हम ट्राई एंड कैच को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ट्राई में हम लिखेंगे कनेक्टिविटी मैनेजर एंड नेम दे देंगे हम कनेक्टिविटी मैनेजर या फिर सीएम शॉर्टकट में एंड अगेन हम पास करेंगे कनेक्टिविटी मैनेजर। सबसे पहले हम ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पे एंड इसमें हम पास कर देंगे कनेक्टिविटी मैनेजर। ओके, अभी हम जिस भी कॉन्टेक्स्ट में मीन्स किस एक्टिविटी में, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख देंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड इसमें हम पास होने के बाद गेट सिस्टम सर्विस को पास कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे कॉन्टैक्ट। ओके, तो मैं यहाँ से पास कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट कनेक्टिविटी सर्विस। मैं यहाँ से अभी पास कर दूंगा कनेक्टिविटी सर्विस, बट आपको यहाँ पे कॉमा नहीं देना है, डॉट कनेक्टिविटी जो भी सर्विस रहेंगी उसको आपको पास कर देना। इसके बाद अभी आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। तो मैं इसको सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। ये होने के बाद आपको नेटवर्क इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन एंड सेम नेटवर्क इन्फॉर्मेशन में इसको नेम दे देता हूँ इज इक्वल टू सीएम डॉट गेट एक्टिव नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। ओके, ये होने के बाद सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस कनेक्टेड को सबसे पहले पास कर देंगे कनेक्टेड। अगर कनेक्टेड है इज इक्वल टू एन इन्फॉर्मेशन, जो हमने यहाँ पे पास किए एन इन्फॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं रहता है तो इज नॉट इक्वल टू नल। एंड आपको ध्यान में रखना है दो कंडीशन लगा ली है इसलिए आपको एंड एंड को इम्प्लीमेंट कर देना है। एन इन्फॉर्मेशन डॉट इज अवेलेबल एंड इन्फॉर्मेशन इज कनेक्टेड, अगर ये सभी कंडीशन ट्रू होती है तो हम पास करेंगे इज कनेक्टेड रिटर्न कनेक्टेड। ओके, आई होप आपको ये कोड समझ में आऊंगा एंड सेमी कॉलम से इसको आपको क्लोज कर देना। इसके बाद आपको कैच के लिए भी इंप्लीमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ कैच एक्सेप्शन ई। ओके, ये होने के बाद आपको लॉक डॉट की करना है, लॉक डॉट ई, इसमें आपको कनेक्टिविटी एक्सेप्शन लिख देना है। अगर नेट नहीं रहता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कनेक्टिविटी एक्सेप्शन एंड कॉमा करके इसको ई डॉट गेट मैसेज इम्प्लीमेंट करना है। तो
एंड इसको अभी हम क्लोज कर देंगे। तो भी आप देख सकते हो हमने कैच का भी कोड लिख दिया, बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो एरर शो हो रहा है इसलिए हम लिख देंगे रिटर्न कनेक्टेड, जो यहाँ पे मेथड का नेम था वो यहाँ पे आपको पास कर देना है। ओके, तो आई होप अभी आपको समझ में आओगा, बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है। एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे एक्टिव नेटवर्क को सिलेक्ट करना है, मैंने इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर दिया। ओके, गेट ऑल नेटवर्क नहीं, गेट एक्टिव नेटवर्क इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर रिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपको सबसे टॉप में आ जाना है, तो मैं सबसे पहले अभी टॉप में आ जाता हूँ, एंड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके नीचे हम कनेक्टेड को जो भी हमने यहाँ पे मेथड क्रिएट किए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो ये जो मेथड दिखाई दे रही है पब्लिक बुलियन इज कनेक्टेड, इसको अभी हम इसके नीचे यूज करेंगे। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ इफ इज कनेक्टेड देन हम मैसेज शो कर देंगे टोस्ट इंटरनेट कनेक्टेड, तो हम मैसेज क्या शो कर देंगे इंटरनेट कनेक्टेड। ओके, एंड यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो जिस एक्टिविटी में है इस एक्टिविटी का नेम लिखना पड़ता है, इसलिए मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट्स। ये इफ का पार्ट हो गया, अभी हम एल्स लिखेंगे। तो एल्स में अगर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम, तभी भी हम टोस्ट मैसेज शो कर देंगे इंटरनेट इज नॉट कनेक्टेड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोस्ट, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जिस भी एक्टिविटी में हो उस एक्टिविटी का नेम इम्प्लीमेंट करना पड़ता है टोस्ट मैसेज शो करने के लिए। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे मैसेज में नो इंटरनेट कनेक्टेड, इसके बाद आपको एक अलर्ट डायलॉग शो करना होगा अगर नेट कनेक्ट नहीं है तो। अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर बिल्डर इज इक्वल टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर, एंड इसमें आप जिस एक्टिविटी में इस अलर्ट बॉक्स को शो करना चाहते हैं उस एक्टिविटी का नेम लिखना होगा। तो पीडीएफ डॉट दिस एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना होगा, एंड जो भी अलर्ट डायलॉग रहेगा उसमें आपको टाइटल सेट करना होगा बिल्डर डॉट सेट टाइटल नॉट इंटरनेट नॉट इंटरनेट कनेक्शन अलर्ट। ओके, एंड डॉट सेट मैसेज में हम क्या लिख देंगे, आप सेटिंग में जाओ मीन्स गो टू द सेटिंग, गो टू सेटिंग, एंड हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, आप कुछ भी लिख सकते हो आपकी इच्छा। तो जल्दी से मैं कोई भी यहाँ पे सिंबल दे देता हूँ, गो टू सेटिंग एंड इंटर कर देंगे, एंड डॉट सेट कैंसलेबल, अगर जब तक नेट नहीं होता ऑन नहीं होता तब तक हम इसको हम फॉल्स कर देंगे, एंड अगर अगेन हम इंटर करेंगे एंड डॉट सेट पॉजिटिव बटन पर भी हम क्लिक कर देंगे, इसमें हम लिख देंगे एस कॉमा न्यू डायलॉग इंटरफेस ऑन क्लिक लिसनर। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डॉट सेट पॉजिटिव बटन खुद ब खुद यहाँ पे इतना कोड आ चुका है। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टार्ट एक्टिविटी सबसे पहले पास कर देनी है, एंड न्यू इंटेंट
यहाँ से आपको सेटिंग में लेके जाना है, अगर पॉजिटिव बटन पे क्लिक कर देता ना, मीन्स एस बटन पे कर देता है कोई यूजर, तो मैं सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, सेटिंग डॉट एक्शन वायरलेस सेटिंग। ओके, तो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने यहाँ पे कोड लिखा, बट यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा है। तो एरर को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने सेट पॉजिटिव बटन तो लिख दिए, बट डॉट नॉट नेगेटिव बटन तो लिखे ही नहीं। तो सबसे पहले हम डॉट नेगेटिव बटन को भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं जल्दी से। डॉट नेगेटिव बटन एंड यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ नो। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू। डायलॉग इंटरफेसेस ऑन क्लिक लिसनर, इसमें हम टोस्ट मैसेज को भी शो कर देंगे टोस्ट। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे गो टू होम पेज। ओके, गो टू होम पेज। एंड यहाँ पे हम जो भी कॉन्टेक्स्ट हो उसमें चले जाएंगे, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एंड यहाँ पे हम सेम अलर्ट डायलॉग डायलॉग इज इक्वल टू बिल्डर डॉट क्रिएट क्लिक पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले बिल्डर्स यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ, बिल्डर डॉट क्रिएट। ओके, ये होने के बाद इसको सबसे पहले क्लोज करना होगा एंड डायलॉग डॉट शो को क्लिक करना होगा। तो अभी आप देख सकते हो हमारा कंप्लीटली कोड क्रिएट हो चुका है। तो मैं सबसे पहले आपको अभी कोड समझा देता हूँ। तो देखो, इफ इज कनेक्टेड, तो इस पे हम जैसे ही कंट्रोल करेंगे तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस कनेक्टेड में, क्योंकि हमने सबसे पहले मेथड को क्रिएट कर दिया है। जो भी हमें नेट के रिलेटेड जो भी हमारा मेथड होता है वो हमने क्रिएट कर दिया है। ओके, इसके बाद अगर कोई कनेक्टेड है नेट से तो डायरेक्ट हम मैसेज शो कर देंगे इंटरनेट कनेक्टेड। अगर कोई यूजर नेट का कनेक्ट नहीं है तो हम मैसेज शो कर दें नॉट इंटरनेट कनेक्टेड। ओके, एंड इसके बाद अभी और डायलॉग में जो भी डायलॉग बॉक्स होगा वो यूजर को शो होगा उसी एक्टिविटी में, इसलिए पीडीएफ डॉट दिस, एंड उनको मैसेज चला जाएगा नो इंटरनेट कनेक्टेड अलर्ट एंड गो टू सेटिंग। ओके, अगर वो कैंसिल करता है तो कैंसिल नहीं होगा। ओके, एंड जैसे सेट पॉजिटिव बटन पे क्लिक करेंगे एस, तो चला जाएगा सेटिंग में, वायरलेस सेटिंग में। ओके, अगर नेगेटिव बटन पे क्लिक करता है, मीन उसको कैंसिल करता है, तो डायरेक्ट चला जाएगा मेन एक्टिविटी डॉट एग्जाम्पल में। ओके, तो आई होप गाइज अभी आपको ये भी कोड समझ में आओगा। अभी हम लास्ट कोड क्रिएट करेंगे, तो मैं इसको अभी स्क्रोल कर देता हूँ जल्दी से एंड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे पब्लिक बुलियन ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड। ओके, ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड, एंड यहां से हम पास कर देंगे मेनू आइटम एंड इसके बाद हम ब्रैकेट दे देंगे। यहाँ पे हम कंडीशन पास कर देंगे इफ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी इज इक्वल टू एंड्रॉइड डॉट आर डॉट आईडी डॉट होम। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट दे देना है ये होने के बाद, एंड यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है ऑन बैक प्रेस, इसको अभी हम कॉल कर देंगे। एंड यहाँ पे लिख देंगे हम रिटर्न ट्रू। यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो इस एरर को रिजोल्व करने के लिए हम पास कर देंगे रिटर्न फॉल्स, एंड इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड का। ओके, तो जो भी हमारा कोड था पीडीएफ डॉट जावा का वो अभी कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में स्प्लैश स्क्रीन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं,
तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।